हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ व्हीट केक की रेसिपी। इसे मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ में, और इस केक को बनाने के लिए गेहूं के आटे का ही यूज़ किया है। इसमें मैदा मिक्स बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। इसे हेल्दी तरीके से किस तरह से बनाना है, किन किन चीज़ों का हमने इसमें यूज़ किया हुआ है और कितनी क्वांटिटी में, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपका जो केक है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, मॉइस्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो मैं आपको कुछ टिप्स इसमें शेयर करूँगी केक बनाने के लिए, जिससे आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ ही मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक कप में गेहूं का आटा लिया हुआ है। ये कप मेरा 240 ml का है। तो इस तरह का आप कप जो है मार्केट में भी मिलते हैं, मेजरिंग कप्स, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर ये किशमिश ली है और मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं, आपके घर पे अवेलेबल है, आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टूटी फ्रूटी ली है और यहाँ पे मैंने पिस्ता की कुछ स्लाइस ले ली है। और यहाँ पर इस कप में मैंने सारा गेहूं का आटा ही लिया हुआ है, इसमें मैदा बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है। और यहाँ पर 1 tablespoon मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, जिससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मॉइस्चर इसमें अच्छा रहता है केक में। अगर आपके घर में अवेलेबल है कॉर्नफ्लोर तो आप उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। तो जो सोडा है हमें उसे 1/2 teaspoon ही लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ये पूरा 1 teaspoon हमें इसमें यूज़ करना है केक बनाने के लिए। और यहाँ पर ये जो मेरा कप साइज़ है ये 240 ml का है। अगर हम यहाँ पे आटे को ग्राम में मेज़र करें तो ये 180 ग्राम मेरा आटे का मेज़रमेंट है। और अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है तो घर में आपकी जो कटोरियाँ होती है, जो छोटे बाउल्स होते हैं, जैसे इस तरह की जो कटोरी होती है, यहाँ पर आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 कटोरी लेंगे मेज़र करके तो वो 180 ग्राम तक आपका हो जाएगा। आपको एकदम फुल भर के नहीं लेना है, बस ऊपर से आपको इसको इतना करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे कप में लिया हुआ है आटा, बस उस तरह से आपको लेना है। बिल्कुल एक परफेक्ट मेज़रमेंट से ही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ले ली है, अभी इसमें हमें एक इन्ग्रीडियंट्स और ऐड करना है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं एक बाउल, और इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पहले छानना है ताकि जो लम्स वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए और केक बहुत अच्छे से बने। तो सबसे पहले हम इसमें आटा डाल देते हैं, और यहाँ पर जो हमने ये 1 tablespoon लिया हुआ है कॉर्नफ्लावर वो हम इसमें डाल देते हैं। ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ ही छान लेना है, और इसी के मेज़रमेंट से हम लेंगे 2 tablespoon मिल्क पाउडर। यही बचा हुआ था, तो ये मिल्क पाउडर डालने से भी केक बहुत अच्छा बनता है, मॉइस्ट बनता है, सॉफ्टनेस अच्छी होती है और स्पंजी भी बहुत बनता है, इसीलिए हम इसमें 2 tablespoon मिल्क पाउडर का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको जो व्हीट केक है वो बनाना है। आप इसे मैदे वाला केक भी बना सकते हैं, बस आटे को मैदे से रिप्लेस करना है आपको। और अब हम इसमें डाल देंगे ये बेकिंग सोडा और उसके बाद ये बेकिंग पाउडर। तो ये दोनों हम डाल देते हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से सीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से छान लिया है, अब इस बाउल को हम अलग रखते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक दूसरा बाउल और इसमें हम जो है सारा बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 1/2 cup ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर आपको मार्केट में किसी भी बेकरी शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस ब्राउन शुगर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, इससे केक बहुत ही अच्छा बनता है, एयर पॉकेट भी बहुत अच्छे बनते हैं केक में, और खाने में भी बहुत ही मॉइस्ट बनता है। अगर आपके पास में ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप कैस्टर शुगर या फिर पाउडर शुगर का यूज़ करके भी केक बना सकते हैं। ब्राउन शुगर का यूज़ करने से केक में कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। आजकल बेकर्स या फिर बेकरी शॉप में ब्राउन शुगर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। चॉकलेट रिलेटेड आपको कोई भी बेकिंग करनी हो तो ब्राउन शुगर का यूज़ आप अच्छे से कर सकते हो, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। चाहे फिर आप चॉकलेट मफिन्स बना रहे हो, चॉकलेट कपकेक बना रहे हो या फिर चॉकलेट केक या कुकीज़ बना रहे हो,
तो आप इसमें ब्राउन शुगर का यूज़ करके इजीली बना सकते हैं, जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा ही। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप ब्राउन शुगर ली है, ये लगभग 110 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अगर मैं ग्राम्स में आपको कहूँ तो ये 110 ग्राम मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर का यूज़ किया हुआ है। और जितनी शुगर हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बटर मिल्क भी लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए उसी कप के मेज़रमेंट से मैंने यहाँ पे बटर मिल्क लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं हाफ कप इसमें बटर मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर कर्ड या फिर दही का भी यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर आपको अगर ये दोनों से ही नहीं बनाना है तो आप इसके जगह पे बटर भी ले सकते हैं, बट पहले आपको उसे क्रीम करना होगा, क्रीमिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस इसमें करनी होगी। तो देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं ब्राउन शुगर का, और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये बहुत ही जल्दी से डिज़ोल्व भी हो जाती है, हमें इसको ज़्यादा विस्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो अभी आप यहाँ पर इसका कलर देख सकते हैं, देखिए कैसे ब्राउन कलर इसका चेंज हो गया है। और यहाँ पर अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, ये ऑयल मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ही लिया है, कोई भी स्मेल वाला ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर इसको ऑयल हम डाल करके अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। ऑयल ज़्यादा इसीलिए भी डालते हैं ताकि जो केक है वो अच्छा सा सॉफ्ट भी बनेगा और मॉइस्ट भी रहेगा, इसलिए हम इसमें ऑयल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ 1 टीस्पून हम डालेंगे वेनीला एसेंस। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान करके रखा हुआ था, इसमें अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ये हम सबसे पहले इसीलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो सभी जगह अच्छे से लेयर्स में रहें, केक के अंदर ही अलग से नीचे की तली में जाके ना बैठें, इसीलिए हमें इसे अच्छे से पहले ही आटे के साथ में मिक्स कर लेना है इस तरह से, जिससे जब आप केक बनाओगे और उसे कट करके जब आप खाओगे तो वो सभी लेयर्स में ये ड्राई फ्रूट्स इक्वली रहेंगे, नीचे अलग से तली में जाके नहीं बैठेंगे, इसीलिए इसे हमें स्टेप करना ज़रूरी था। अब ये सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं और अब बैटर लगाना स्टार्ट करते हैं। बैटर हमें ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, नहीं तो जो केक है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो इस तरह से अब हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान रहे जब भी हम केक बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए, बिल्कुल भी हमें इसमें ठंडी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक लग रहा है, थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क। तो इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, आप चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग मिल्क को एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी कि बैटर किस तरह का होना चाहिए केक के लिए, क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ तो मुझे ये ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो मुझे ये बनाकर देना होता है, इसीलिए मैं आपको एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अभी भी ये थोड़ा सा थिक है, तो इसमें हम मिल्क और ऐड करेंगे। तो इस तरह से अभी हमको ये बैटर को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का ये बैटर होना चाहिए। इस बैटर को बनाने के लिए मैंने लगभग 1/4 कप मिल्क का यूज़ किया हुआ है, आप आपके अकॉर्डिंग मिल्क को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का ये रिबन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, जैसे ये टूट टूट के गिर रहा है, बिल्कुल इसी तरह का हमें बैटर रहना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा पतला किया तो केक में डोम शेप आ जाएगा, जिससे केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ा रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसमें और एक चीज़ क्या ऐड करनी है जिससे आपका केक बहुत ही फ्लफी सा बनेगा। तो सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर। ये जो वाइट विनेगर होता है वही हमने इसमें ऐड करना है। तो जिस टीस्पून से मैंने वेनीला एसेंस लिया था उसी से मैं ये 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। आपके पास ही वाइट विनेगर है तो आप इसे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में ही डालना है। इससे पहले कि आप सारी तैयारी करके रखेंगे, आप यहाँ पे अगर कढ़ाई में, ओवन में या फिर OTG कुकर में बना रहे हो तो उसे आप पहले से प्रीहीट करके रखें, और आप जिस टिन में बना रहे हो उस टिन को भी आप प्रिपेयर करके रखें, ताकि आप ये बैटर को तुरंत पोर करके उसके बाद इसे आप बेक होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर मैंने ये 6 इंच का टिन लिया हुआ है जो मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हम बैटर को इसमें डाल देंगे सारा बैटर। अभी मैं यहाँ पर ये स्पैचुला की हेल्प से ये सारा बैटर इसमें निकाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से पहले एक बार इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि जितने भी एयर है वो बाहर आ जाए और केक बहुत ही अच्छे से बने। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब ये जो हमने गार्निशिंग के लिए कुछ पिस्ता और टूटी फ्रूटी रखी हुई थी उसे हम ऊपर से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे।
अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स वाली बेरीज अवेलेबल हो तो भी आप उसको ऊपर से इस तरह से गार्निश करके बेक होने के लिए रख सकते हैं। वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। अब इसे हम बेक होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो व्हीट केक है वो बेक होके रेडी हो गया है और नाइफ से अब हम इसकी एजेस को पहले क्लियर कर लेते हैं। इसके ऊपर हल्का सा क्रैक आया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर में भी गड़बड़ हुआ तो भी ये जो है क्रैक आ जाता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने मार्केट में भी देखा होगा प्लम केक हो या फिर टूटी फ्रूटी केक हो उसमें भी हल्के से क्रैक्स रहते हैं। और इसे हम बिना क्रीम के ही बना रहे हैं, ऑर्डर पे भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसे दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो मेल्टेड बटर है उससे थोड़ा सा ये ग्रीस कर लेते हैं जिससे इसमें जो शाइन है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगी, ड्राई फ्रूट्स में भी। तो इस तरह से आप बना करके ऑर्डर पे केक दे सकते हैं, बहुत ईजी है, या फिर घर के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब केक जो है ठंडा हो गया है और बिल्कुल रेडी है, इसे अब हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का ये केक बना है और ये लगभग 400 ग्राम का केक बन करके रेडी हुआ है। इसे मैंने मेज़र किया हुआ था तो ये प्रॉपर 410 ग्राम का ये बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसको सील कर सकते हैं। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये केक कितना सॉफ्ट बना है और कितना स्पॉन्जी भी बना हुआ है। आप यहाँ पे इसकी जाली भी देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है व्हीट केक। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितने इजीली नाइफ इसके अंदर जा रहा है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही हेल्दी है। हमने यहाँ पे फैट में सिर्फ ऑयल का यूज़ किया हुआ है। बाकी इस तरह से अगर आप केक घर पे बनाते हैं तो आपको वो यकीन मानिए रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप यहाँ पर केक को उस केक को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने यहाँ पे बच्चों को भी इसे ईजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, अभी मैं आपको इसके एयर पॉकेट्स भी दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अभी आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट बना हुआ है और ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना हुआ है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, जैसा आप मैदे का खाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये आटे का भी बना हुआ है और ये आप जाली भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस केक को ज़रूर अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बनाइए हेल्दी केक। अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।